ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ ਤਤ ਸਿਉਂ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਥਿਰਕਿਓ ਅਮਰਦਾਸ ਅਮਰਤ ਛਤਰ ਗੁਰ ਰਾਮਹਿ ਦਿਓ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਕਿਹ ਮਥੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੈਣ ਮੂਰਤ ਪੰਚ ਪਰਮਾਣ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਭਿਖਉ ਨੈਣ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਹਿਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਸਰਵ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਬਰਦੋ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਕੱਦਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕਉ ਗੁਰਜੋਤ ਅਰਜੁਨ ਮਾਹੇ ਧਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਧ ਨੋ ਧਨ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਆਓ ਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ 47 ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਝੋਲੀ ਪਿਆ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਕਰਾਉਣ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਠਰੰਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਤਰਵਾਸ ਮਿਲਿਆ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਸ ਵਜੋਂ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਤਨ ਧਨ ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਦੀਆ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਜ ਸਵਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਚਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਦੀਆ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਜ ਸਵਾਰ। ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਤਿੰਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨੇ ਪਾਵ ਕੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਮਨ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਤਨ ਤੇ ਧਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ
रमैया के गुण चेत प्राणी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू साज सवार शिंगारिया गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया रखिया सहज सवार गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध पार जोबन भोजन सुख सूद किन्ना कुछ सवारिया जिन तू साज सवार शिंगारिया गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया मन तन धन जिन प्रभ दिया रखिया सहज सवार सहज क्यों आख्या कि उस वाहिगुरु ने सानू सहज ही बनाया कीता पसाओ एको कवाओ मनुखा नू इस संसार च कुछ भी बनाउण वास्ते सहज अवस्था नहीं लगती जतन लगता है और जो भी असी बनाउंदे आ वी कैन ओनली प्रोड्यूस वाहिगुरु कैन ओनली क्रिएट देर इज इंटायरली डिफरेंस बिटवीन क्रिएशन एंड प्रोडक्शन क्रिएट जिहड़ा हुंदा है वह अपने आप दे विच नवेकला हुंदा है प्रोडक्शन जिहड़ी हुंदी है वह एक चीज़ तो लैके ही बनाई जाती है जो पहले मौजूद साडे कोल इस धरती दे इस कुदरत दे पदार्थ ने असी प्रोड्यूस कर सकते हैं पर वी कैन नॉट क्रिएट क्रिएट करन वाला वाहिगुरु है उन्हें साना साडा नवेकला DNA क्रिएट किया साडा चेहरा साडा सुभाव साडी आत्म जोत मन तन धन स्वासा दा धन जीवन पूंजी जिन प्रभ दिया रखिया सहज सवार पहला माता दे गर्भ दे विच सहज के सवार के रखिया हुण तैसी बाहर माया हुण इस माया दी अगन दे विच भी सवार रहे ने जी सर्व कला कर थाप्या अंतर जोत अपार इस तुक दी विचार वास्ते कई घंटे चाहिए ने सर्व कला किनियां कलावां ने साडे शरीर विच ओह दसियां ही नहीं जा सकदियां और अज तक पूर्ण रूप से खोज भी नहीं हो सकियां शरीर नूं खोजण वास्ते अजे बहुत कुछ जतन चल रहे ने और जिन्ने भी जतन चल रहे ने सब मुबारक ने किनियां क सूक्ष्म नाड़ियां ने किन्ना क बरीक अंदर सारा पसारा है रस रंग गंध स्पर्श ये जिहड़ियां साडियां कर्म ज्ञान इंद्रियां ने इनू महाराज जी कहिंदे सर्व कला कर थापिया रसना दी स्वाद दी स्पर्श वाली बिरती हो रहा है ते चमड़ी दी स्पर्श वाली बिरती हो रहा है रसना ते कुछ रखिया जाएगा ते वो रस रूपी रखिया जाएगा स्पर्श रूप दे विच जद रखिया जाएगा ते चमड़ी च रखिया जाएगा रूप नू देखण दी ताकत अखां दे विच पाई गंध नू नासकां विच पाईआं सुनण दी ताकत सरवणा विच पाई किन्ना कुछ बनाया एक एक गल नू जे समझणा है ते गुरु अमरदास जी दा 40 पौड़ियां आनंद साहब पढ़ीए सतगुरु जी ने किवें शुरुआत कीती कि सब तो पहला जिहड़ी ए आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं इत्थों शुरू कीता फिर अगे जाके जद मन टिकिया फिर साचे साहिबा क्या नाहीं घर तेरा फिर अगे जाके सतगुरु जी ने रहमत करके दसी कि ये देह ते तैनू मिल गई है पर देह उन्ना चिर तक सफल नहीं साची लिवै बिन देह निमाणी लिवै बाजों क्या करे बेचारिया फिर इस देह दे अंदर की पिया मन पिया ते इस मन नू समझण वास्ते सतगुरु जी ने आनंद दी अवस्था दित्ती है भी माण आनंद पर मन नू दो रूपां विच कठा रखिया ए मन चंचला चतराई किन्ने ना पाया चतराई ना पाया किन्ने तू सुन मन मेरिया अगली पौड़ी च ए मन प्यारिया तू सदा सत संभाले दोनों रूप रख दिते एक रूप दे विच झिड़क मारी चंचल आखिया दूसरे दे विच कहा प्यारे मन समझ सकदा तेरे विच सरमाया फिर अगली गल अमृत दी रखी जिहड़ा अमृत इस संसार दे विच सुर नर मुंजन अमृत खोज दे सो अमृत गुरते पाया पर इस अमृत वस्ते तुरन वस्ते ज्यो तू चलाहे ते चला स्वामी होर क्या जाना हुण तेरे जीव तू चलाहे ते मैं चले जिन्ना मार्ग पावे फिर इस रस्ते दे जिहड़ा उत्ते तुरदा फिर ओनू पता लगदा है वो अंदरों ते बाहरों किवें निर्मल होए कला बाहरों दिखावा करन वाला निर्मल नहीं हो सकता पर उस निर्मलताई दी प्राप्ति तो पहला सहज है पर ए सहज अपने जतन नाल नहीं मिलता करमी सहज ना उपजै विण सहजै सहसा ना जाए न जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए सहसा जियो मलीन है कित संजम तोता जाए मन तो वो आ किन्नी कमाल दी गल की चरण लाभ
प्रभु की बाणी नाल लग जाओ। फिर सतगुरु जी ने अगली अवस्था बयान की किवें यह सफर अगां वधदा है कि आ मैं तेनू तो पवित्र करा महाराज कहिंदे तेरे सारे परिवार को भी पवित्र करदा कि परिवार कुटुंब सहित स्यों पवित्र संगत सवाइया कहिंदे पवित सुनदे पवित से पवित नहीं मन वसाए। महाराज जी ने कहा आ तेनू फिर अगली गल जियो निर्मल बारों निर्मल आख्या। फिर सतगुरु जी ने यह भी आख्या कि सनमुख ते मनमुख कौन है जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवै ता सनमुख से कोई जियो रहे गुरु नाले पर जे बिरमुख बेमुख हो गए जे को गुरते बेमुख होवै बिन सतगुरु मुक्त ना पावे मुक्त ना पावे होर है कोई पिछो विवेकिया जाए ते सनमुख होण दी निशानी है आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी। फिर इस बाणी नू गाउण वाला गुर का शब्द रतन है कला जुबान ते ना गाए इस बाणी नू हीरे जित जड़ाओ गुर का शब्द हिरदे विच जड़ जाए। फिर जब हिरदे विच शब्द जाएगा फिर ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां आप ही ए श्रवणो मेरे हो ए नेत्रो मेरे हो ए शरीरा मेरिया। फिर सतगुरु जी ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां की गल करेंगे फिर सतगुरु जी इन्हां इंद्रियां नू साधन की गल करेंगे। जब ये इंद्रियां साधन वाले पासे तुरनगियां फिर कित्थे जाके शिखर पैदा होएगा हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पौन बजाया। ये सारी अवस्था सतगुरु जी कहिंदे कि तां समझ आएगी जे गुरु दे इस खजाने नू तू खोजन वास्ते तुरेंगा कि जानू ना ही भावै कवन बाता मन खोज मार्ग खोज वाले पासे जिहड़ा तुरेगा उनू पता लगेगा सर्व कला कर थापिया अंतर जोत अपार उस वाहिगुरु ने किनिया ताकतां पा के शरीर आत्मा थापी है ते ये शरीर तां है जे उदी जोत अंदर है जी सदा सदा प्रभ सिमरी है अंतर रखे और तार आ फिर उनू हिरदे विच वसाओ जिन्हें इन्ना कुछ रखिया है अंतर जोत अपार जे शरीर आत्मा तो बिना होए तो फिर दी हालत पता की होए खाक मिट्टी महाराज कहिंदे मिट्टी है जे खाक दे विच नूर पाया ना वाहिगुरु ने फिर ये कोई कीमत नहीं इहदी दे सकदा। खाक नूर करदन आलम दुनियाए असमान जिमी दरखत आप पैदाइश खुदाए बंदे चश्म दीदंग फनाए दुनिया मुर्दार खुरदनी गाफल हवाए दिल कब्ज कब्जो कादरा दोजक सजाए वली नियामत बिरादरा दरबार मिल्क खान आए जब अजराइल बस्तनी तब चेकारे विदाए हवाल मालूम कर दंग पाक अला भगो नानक अरदास पेश दरवेश बंदा एक काम कर इस तानू लेखे ला दरवेशा की संगत विच आ। सतगुरु जी कहिंदे कि कृपा करके तू संगत दे विच जद बैठेगा गुरु की कृपा होएगी फिर सदा सदा प्रभ सिमरी है तू सदा ही वाहिगुरु जी का सिमरन कर अंतर रख और धार उनू अपने हिरदे विच वसा के रख जी। मेरे मन हर मैंने अवन न कोई मेरे मन प्रभु तो बिना तेरा कोई भी नहीं है इस गल नू तू अपने मन विच टिका लै। बैदो ना बाई भैनो ना भाई एको सहाई राम है सहाई तो एको है ना वैद है ना भाई है ना भैन है ना भाई है कोई नहीं सहाय है वाहिगुरु सहाय। जे वाहिगुरु की कृपा होएगी तो फिर बिरद भया उपर साग सहन फिर ये सारे अपने ने जे वाहिगुरु सहाय नहीं तो सारे बेगाने ने एको मिल गया ना सभ्य थोक प्राप्त जे आवै एक हाथ जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ एक नू प्राप्त कीतिया सारे आ जाएंगे। वैदो ना भाई भैनो ना भाई एको सहाई राम हे कीता जिस होवै पापा मल धोवै सो सिमरू प्रधान हे उनू ते आ मेरे मन जिस तो बिना कोई होर सहारा नहीं हो सकता ते ना कोई है मेरे मन हर बिन अवर न कोई। प्रभ सरनाई सदा रहो दुख ना व्यापै कोई रहाओ उस प्रभु दी शरण पै
जिस प्रभु की शरण पिया सारे दुख दूर होंगे ने ते दुखां विच भी दुख व्याप नहीं सकता, भुख विच भी भुख नहीं सता सकती, रोग विच भी मन खिड़िया रहिंदा, सोग विच भी मन प्रभु दे सिमरन दे अंदर टिका विच रहिंदा। जे सुख दे तां तुझे अराधी, दुख भी तुझे त्याई, जे भुख दे तां इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई। सतगुरु जी कहिंदे है कि उस प्रभु दे सिमरन विच टिकिया सदा सदा प्रभ सिमरी है, अंतर रख उर धार, उर कहिंदे हिरदा, धार कहिंदे टिका लै। इस नाम नू चौंकी चौगिरद हमारे, भाव के गुर का शब्द रखवारे, चौंकी चौगिरद हमारे, राम नाम मन लागा जम लजाए कर भागा, ये टिकाणा बना लै अपने मन अंदर गुरु दे सिमरन दा। जी रतन पदार्थ माणका सोइना रूपा खाको, सतगुरु जी ने रहाउ दी तुक विच दस्या प्रभ शरण आई सदा रहू, दुख ना व्यापै कोए, उन्हों अपने मन विच वसाएगा ते दुख हो के भी दुख नहीं व्यापेगा। रतन पदार्थ माणका सोइना रूपा खाक, पर गुरु साहब कहते मैं देख लिया तेरे मन च की है, तेरे मन च शब्द नहीं है। सतगुरु जी मैनू सानू कह रहे कि सतगुरु जी कहते मैं वेख रहा कंचन नारी मैं, जियो लुभत है मोह मीठा माया, घर मंदिर घोड़े खुशी मन अनरसराया, हर प्रभ चितना आवे क्यों छूटा मेरे हर राया, मेरे राम ये नीच करम हर मेरे। ये साढ़े अंदर है कंचन नारी, सानू सदा चंगा लगता है, सोयना रूपा रंगुला मोती तै माणक जियो, ये सब कुछ सानू चंगा लगता है। ये वस्तु शायद दित्तियां मैं इनस्यों लाया चित जियो, चित मेरा इन्हों नाल लग गया जिहड़ा वाहिगुरु ने सुख मानन वास्ते दिता सी, भी वर्तन विहार वास्ते दाता सन, वर्त विहार ते सिमरन दे विच सुरत जोड़, पर सुरत इन्हां विच ही फसी रह गई कि जिन्हों महाराज जी ने बाणी विच कहा कि जित बोलियां तेरी पात्र है वो है प्रभु का नाम, पर तू प्रभु दे नाम नू भुल के होर ही लोभ माया दे रस दे बचन बोल रहे हैं, पर इन्हां बोलियां तेरा पार उतारा नहीं होना। जिन्हों महाराज जी की बाणी दे विच असी श्री राग महला पहला पढ़ते हैं कि बाबा बोलिया पत होए कि वो बोल उत्तम सेदर उत्तम कही है नीच करम बहर होए। तो सतगुरु जी ने कहा कि तू प्रभु दे नाम नू विसार के होर गल्लां होर बातां भाव रतन पदार्थ माणका सोइना रूपा खाक, खाक इसलिए क्या क्योंकि ये सारा मिट्टी है, ये नाल तू अपनी सुरत नू जोड़ बैठा है। जे मात पिता सुत बंद पा कूड़े सबे साक, मात पिता सुत बंद पा, माता पिता सुत, पति पत्नी बंधप रिश्तेदार, कूड़े सबे साक, कूड़े इसलिए क्या क्योंकि जे परिवारों में सिमरन ही नहीं है, परिवारों में संबंध मनमुखा केरी दोस्ती माया का संबंध वेखदियां ही भज जान कदे ना पाएन बंद, जिचर पैनन खावने तिचर रखन गंड, जित दिन कछू ना हो वही तित दिन बोलन गंद। जे साढ़े परिवारों में ये लेवा देवी दे संबंध ने तो फिर महाराज कहिंदे ये कूड़ा है, क्यों कूड़ा है क्योंकि सिमरन नहीं है, करतार विसर गया। तो ये रिश्तियां दे जिन्हें भी संबंध ने एक कूड़ माया दे उत्ते टिके हुए ने, जिहड़ी खाक है ते कच्ची चीज उत्ते कुछ भी पक्का नहीं टिक सकता, कच्चे दे उत्ते कुछ भी अडोल नहीं टिक सकता, डोलदी चीज उत्ते कुछ भी अडोल नहीं टिक सकता। ते तू डोलदी चीज उत्ते रिश्तियां नू लाई बैठा है ते हाल है कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसण हार, कूड़ सोइना, कूड़ रूपा, रूपा कहिंदे चांदी नू, कूड़ पहनण हार, इथों तक कूड़ काया, कूड़ कप्पड़, कूड़ रूप अपार, सब कूड़ है, कूड़ कूड़ है, नेहो लगा विसरिया करतार। एक अखर रखिया बस गुरु साहब ने,
सब कुछ कूड़ इसलिए है क्योंकि विसरिया, करतार विसर गया इन्होंने रिश्तों से। कूड़ मिठा, कूड़ माख्यो, कूड़ डोबै पूर, सारा कुछ महाराज कहिंदे हम देखा तह डूबी ले। इस संबंध दे विच, इस लेवा देवियां विच सब कूड़ है, सब कूड़ है। नानक वखाणा बेनती क्यों तुदबाज कूड़ो कूड़। फिर महाराज कहिंदे जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे से अस्थल सोइन चुपारे, जिथे नाम जपे जा रहे ने वो परिवार धन ने। कला रिश्तियां नू कूड़ नहीं आख्या महाराज जी ने, परिवारिक संबंध नू, सारे संबंधा नू सतगुरु जी ने निंदिया नहीं। वो रिश्ते वो संबंध जिहड़े लेवा देवी ते टिक गए ने, रब दा नाम विसर गया। महाराज कहिंदे जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे से अस्थल सोइन चुपारे, जिथे नाम ना जपिया मेरे गोविंदा सही नगर उजाड़ी जियो। तिनका खादा पैदा माया सब पवित है, जो नाम हर राते तिनके कार मंदिर महल सराई सब पवित है, जो गुरसिख सिख सेवक अभ्यागत जाए वरसाते। महाराज जी ने कहा यह तो सब धन है भाई, जे प्रभु का नाम है, जे नाम ही विसर गया फिर सच ये है मात पिता सुत बंध पा, कूड़े सबे साक सब कूड़ है जी। जन कीता तिसह न जानई, मनमुख पास ना पाक। पशु तो भी डिगी हुई बिरती है, पशु नू जे प्रशादा पाईए ते पशु फिर भी शुकराना करदा है खा के। सतगुरु गुरु अर्जुन देव महाराज जी ये बख्शिश करदे ने कि पशु ते फिर कुत्ते दी न्यायी कुत्ता बिरती फिर शुकराना करदा है, पर मनमुख बिरती करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात। भई पशु बिरती ते फिर रब दी न्यायी रब दे हुकम दे विच मालक दी सच्ची है, पर महाराज जी कहिंदे है कि जिस हिरदे दे विच गुरमंत्र हीणस्य है, जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रश्न है, कूक रहा सूक रहा गर्द बहा काकहा सरपनहा तुलखला, इस तू उत्ते सतगुरु जी दी की विचार होएगी। सतगुरु जी कहिंदे पशु दी न्याई जीवन कि ढिड भरिया ते सौ गए ते ढिड भरिया ते खा के ऊं कीती जां विकार हो गए। वाहिगुरु जी मेर करन जिन कीता तिसै ना जाननी जाणी, मनमुख पशु जिनू पश आख्या, मनमुख पश ना पाक, ना पाक क्या अपवित्र, पाक दा मतलब है पवित्रता, ना पाक जीवन बतीत कीता है जी। अंतर बाहर रब रहया तिसनो जाने दूर, बई जी समा ही नहीं मिलता बंदगी करन दा, करिए की। महाराज कहिंदे कोई चीज दूर पई होए ना ते बंदा कहे वे उत्थे पहुंचण नू दूर समा नहीं लगता, ठाओ नहीं लगता, उद्यम नहीं होंदा, बई उह ते नेड़े ही है, उह ते हिरदे च है, उहनू जपण वास्ते किहड़ा उद्यम, उह ते हिरदे च बैठे है। जय जय पेखों तै हदूर, दूर कथू ना जाए रव रहा सरबत मैं मन सदा ते। महाराज जी ने कहा उह ते नेड़े है, जय जय पेखों तै हदूर, दूर कथू ना जाए, दूर थोड़ी है, उह ते कह रविदास हाथ पैर मेरे, इस तों नेड़े कुछ हो सकदा है। वह अंदर है, वह नेड़े है, तो उठत बैठत सोवत त्याई है, उन्होंने जपी जा सदा सदा प्रभु सिमरी है। उस वाहगुरु नूं सिमरन, उस वाहगुरु नूं ध्याना अपने जीवन का इसलिए हिस्सा बनाई। अंतर बाहर रब रहा तिसनों जाना दूर, मनमुख बंदा दूर जानता है। दो बचन लैके अगे तुरीए, एक बचन कबीर साहब का, एक बाबा फरीद जी का। दोनों भगत कहते हैं कि वह नेड़े है। बाबा फरीद कहते हैं आज मिलावा शेख फरीद टाके मु कुंजड़ियां मनो मचंदड़ियां, कहते आ तेनू हुणे ही दसा कि रब दा सिमरन किवें हुंदा, हुणे ही दसा, हुणे ही मिल जाएगा। पर शर्त यह है टाके मु कुंजड़ियां जिहड़ी मन कुंजां ऐ उड़ियां फिरदियां ने ना उन्हां नू सद के लै आ। मन रूपी कुंजां कै कै करियां फिरदियां ने ना उन्हां नू टिका लै, टिक के बिठा लै, अज मिल जाएगा। कबीर साहब भी कहते है हदूर
कत दूर बतावो हूं। पर किन्ना सुख है दुंदर बंद हूं सुंदर पावो गाली मुकाई। कहते आ इस मन बन लै ते तेनू सुंदर खसम दिस जाएगा। वो नेड़े है वो दूर नहीं है जिन्हों तू दूर समझी बैठा है जी। तृष्णा लागे राच रहया अंतर होमै कूर। तृष्णा बड़ी भैड़ी बिरती कही है महाराज जी ने बाणी च। ये जिन्हू लग जाए ना फिर महाराज जी कहते हैं ते हलकाए कुत्ते दी न्याई मालक नू भी पैंदी है। सतगुरु जी कहते तृष्णा बड़ी भैड़ी चीज है जिद विच बंदा रजदा नहीं। तृष्णा बिरले ही की बुझी है कोट जोरे लाख कोरे मन ना हो रहा। महाराज कहते कभी मन रजिया जी परे परे ही आख्या मैं परे ही को लुझी। बंदा होर करता रहिंदा ते कभी उन्हूं रज नहीं आया। तो तृष्णा विच उहदे अंदर हौमै ते कूड़ झूठ ही वरतदा। जिहदे अंदर तृष्णा मर गई ना उन्हें महाराज का शुकराना करना ही करना। जिहदे अंदर तृष्णा की आग है उन्हें रब नूं उलामी देई जाणी। ये नहीं होया पर मूर्ख मन दस वस्तु ले पाछै पावै। एक वस्त कारण बिखोट गवावै। एक पीना दे दस पी हिरले तौ मूड़ा कहो कहा करे। दस वस्तुआं दित्तियां ओह लैके शुकराना तू कीता नहीं एक दे पिछे तू अपनी सारी बिरती गवा बैठा। नहीं जी ये चाहिए जे रब कहे चल एक ते तेनू की देना जिहड़ियां दस दित्तियां लिया पहलां इहदा हिसाब करिया। आ पहला जिहड़ी दस तेनू तन तन दिता मन दिता शरीर दिता उदम दिता सेहत याबी दिती स्वास दिते परिवार दिते हर तरह का तेनू अरोग देही कंचन देही दिती आ पहला इहदा हिसाब ये दे वापस। फिर महाराज कहिंदे की करेंगा तू। इस करके तृष्णा लागी रच रहा अंतर होमै कूर। हाँ हाँ करदा बंदा महाराज कूड़ दे विच जीवन गवांदा है जी। भगते नाम भी होणिया आवह वन्यह पूर। ट्रकां दे ट्रक वन्यह पूर पूर कहिंदे भर भर के इत्थों जा रहे ने मन मुक्ताई बिरती दे विच लगे हुए। हम देखा तह डूबी अले रोज पढ़दे हन तित सर वरड़ै भईले निवासा पाणी पावक तिन है किया पंकजू मुँह पग नहीं चालै। हम देखा तह डूबी अले असीं वेख रहे हाँ कि पूरा दे पूरे इत्थे डुबदे जा रहे। महाराज कहिंदे वेख के भी जे बंदा कहे मन जानत सब बात जानत ही औगुण करै काहे की कुसलात। हाथ दीप कुएं पर है हाथ च दीवा ते टठे खूह च जा डिगी ते फिर काहदी सियाण। इसी गल नूं सतगुरु जी ने महाराज जी ने समझाया कि उस वाहिगुरू नूं तूं सिमर अपने अंदरों भगती भाव पैदा कर। जे भगती नहीं है भगती नाम विहूणिया विहूणिया नाम तो विहूणा आवै है वन्य है पूर आ रहे ते जा रहे। इत्थे ते बहुत आ रहे ते जा रहे मर मर के जन्म लै रहे जन्म जम के मारे ने पूरा दे पूर इत्थे जन्म गवा रहे ने जी। राग लेहो प्रभ करण हार जी जंत कर दया दया मया कर प्राण पत मोरे मोहे अनाथ शरण प्रभ तोरी। अंधकूप मैं हाथ दे राखूं कछु सियानप उकत ना मोरी। राख लेहो प्रभ करण हार जी जंत कर दया दया करो प्रभु जी मैनू बचा लो। बाबा बिख देखिया संसार बाबा बिख देखिया संसार रखिया करो गुसाई मेरे मैं नाम तेरा आधार। इत्थे होमै नहीं करनी कदी भी जप के भी होमै नहीं करनी। एक बंदा कहिंदा मैं रब की बंदगी नहीं कर ली मेरा मन टिक गया हुण होर दसो की करना। उन्हूं सियाणा बंदा कहिंदा भाई होर फिर तू किसी महापुरख कोल जा। एक कोल गया कहिंदा बाबा मैं इन्ना सिमरन कर लिया हुण की करा मन मेरा टिक गया कोई मंत्र शंत्र होर दे कि अगे मेरी सुरत होर टिके तो मैं फिर दसा लोगों नूं कि भाई किन्ना क ताकत मैं बंदगी दे विचों हो गया। वह कहिंदा भरावा मेरे को ऐसा कोई मंत्र नहीं है होर कोई वड्डा महापुरख लभ मैं तेरी अवस्था तक मैं पहुँच ही नहीं सकिया। कहिंदा क्यों कहिंदे मैं अज तक यही नहीं कह सकिया कि मैं इन्ना जप लिया तो मैं होर हजे तो वो गुण। वह कहिंदा लै फिर तो तू कख भी नहीं है मैं लभ लैंदा। फिर उन्हें किसी ने थौ पाई तो वह कितने अपड़िया जाके कि वह महापुरख बड़े बंदगी वाले ने कि
ਬੜਾ ਤਿਆਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਟਿਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਇੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਵੀ ਮਨ ਟਿਕਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਨਾ ਚੌਪੜਾ ਮੈਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਧ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸਿੱਧੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੱਕਰ ਵੀ ਸਾਧਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮੰਤਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲਾ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਜਾਪ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਪੇਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਬਸ ਇਹੀ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਪ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇਰੇ 'ਤੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਇਹੀ ਮੰਤਰ ਜਪਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਹੀ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਪਰ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਏ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਬਸ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਬਸ ਬਾਂਦਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਏ ਅੱਗੇ, ਬਾਂਦਰ ਇਹ ਸੋਚੀ ਜਾਏ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਏ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਵੇਂ ਲੰਘੀ, ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਏ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਏ। ਹੁਣ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਫਿਰ ਬਾਂਦਰ, ਕਿਸ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਪੰਜਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਂਦਰ, ਫਿਰ ਬਾਂਦਰ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਭਜਿਆ ਆਇਆ ਬਾਬੇ ਕੋਲ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੰਤਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਿੱਧ ਕਰ ਆਇਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਿੱਧ ਕਰ ਆਇਆ, ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦੀ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਕਾਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਦਰ ਚਿੰਬੜਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਖੇੜਾ ਛੜਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਬੜਾਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ, ਨਾ ਤਪ ਦੀ, ਨਾ ਜਪ ਦੀ, ਨਾ ਪਸਾਰੇ ਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਿਆ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ। ਅਸਲ ਬੰਦਗੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਲ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਕੁਛ ਬੰਦਗੀ ਦਿਓ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਲੈ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਇਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਨੇਮ ਨਿਭਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ, ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹ, ਫਿਰ ਆਈ ਦੱਸੀ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦ ਗਿਆ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਗਵਾਤਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਗਵਾਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਤਾ, ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਤਾਂ ਸ਼ੋਹ ਪਾਈਐ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨ ਹਾਰ, ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੰਤ ਕਰ ਦਇਆ, ਬਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕੋਈ ਨਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰ, ਮਹਾਂ ਵਿਕਟ ਜਮ ਭਇਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮਨ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਮਹਾਂ ਵਿਕਟ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਮਹਾਂ ਵਿਕਟ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ ਆਗੇ ਜਮਦਲ ਬਿਖਮ ਕਨਾ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ, ਤਪ ਜਪ ਦਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਂਜਨਮ ਵਿਕਟ ਭਾਵ, ਮੋਕਮ ਫੋਜ ਹਟੱਲੀ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨ ਵਿਸਰਾਉ, ਕਰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਮਇਆ। ਬਸ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੋ, ਬਸ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਕਰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਇਆ 'ਚ ਕੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਰਪਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਸਾਰਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਸ ਸਾਡੀ ਹੀ ਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾਮ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਈ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਓ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਬਸ ਤੁਧ ਚਿਤ ਆਏ ਮਹਾਂ ਆਨੰਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਸਰੈ ਸੋ ਮਰ ਜਾਏ। ਅੰਤਮ ਤੁਕਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ
गुरु साहिब दा भाई साहब जी दा सब दा धन्नवाद है जी। भुलां चुकां दी खिमा। आप बड़े प्रेम नाल लगातार दास दी कथा दास दी ए उद्दम सेवा नूं सरवण करके सफल बना रहे हो। आप संगतां दे चरणां च नमन है। भैन जी होरां दे भाई साहब रजिंदर सिंह जिहड़े भी गुरु प्यारे आए रविंदर सिंह उन्हां दा धन्नवाद जी। आओ जी अंतम तुका सरवण करिए जी। बिन प्रभु कोए न रखन हार, महा बिकट जम भया। नानक नाम न विसरो, करे अपनी हर मैया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार गुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया। सहज सेती मन वजियां वाधाइयां, राग रतन परवार परिया। शब्द गावणे आईया, शब्दों का गाओ हरी कीरा। मन जिनी वसाया, कहा नानक आनंद होआ। सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया। तू सदा रहो हर नाले हर नार रहो, तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना। सबना गल्ला समरथ स्वामी, सो क्यों मन हो विसारे। कहा नानक।